हेलो स्टूडेंट्स, आप प्रोबेबिलिटी के चौथे लैक्चर पर पहुँच गए हैं जी। 10th क्लास प्रोबेबिलिटी चौथा लैसन, आप इस एन सी आर टी के क्वेश्चन डिस्कस करांगे। अगर तुसी पिछले 3 लैक्चर देखे ने तो एन सी आर टी के क्वेश्चन तुहानू ऐ लगणगे भी इन्हां विच कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 लैक्चर च आपां हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन किए ने, ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इस लैसन विच कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। ठीक है जी। सो फस्ट क्वेश्चन की है, फस्ट क्वेश्चन जो बुक में लिखे उत्थे लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है जी। सो जो बुक में लिखा है पी ई है जी उत्थे, ठीक है, तो पी नॉट ई नॉट इवेंट उन्हें इंग्लिश लिखा हुआ, वो कोई दिक्कत है नहीं गी तुहाडे कोल। ठीक है जी। अगर तुसी गल करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, पहले लैसन च आपां प्रूव कीता सी इहदा आंसर की आंदा हुंदा है 1। सो ये चीज़ आपां नूं पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ए च प्रोबेबिलिटी ए नॉट करोगे, अगर प्रूफ देखना है तो पहले लैक्चर नूं रैफर कर लेना, आराम नाल प्रूफ दिता सीगा। ठीक है जी। दूजा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कैन नॉट जिहड़ी हैपन ना होवे। ठीक है जी। बंदा मैंगो बेच रहा हो, तुसी जाके घिया मंग लो, फिर वो पॉसीबल थोड़ी है। जे पॉसीबल थोड़ी है तो फिर की होगा तुहाडे कोल, इहनू कहिंदे इमपॉसिब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जिहड़ी ना हैपन होवे वो 0, सच इवेंट इज़ कॉल्ड इमपॉसिबल, सच इवेंट इज़ कॉल्ड इमपॉसिबल इवेंट। ठीक है जी। सो दूजी डैश होगी प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट है इज़ सर्टेन टू हैपन। ठीक है, पक्का ही हैपन है, संभावना तो है ही नहीं, पक्का ही है, वो 1 होगी। दिस इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है जी। सो बड़ा सौखा जहा क्वेश्चन है। चौथी डैश, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आल एलीमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। ठीक है जी। हुण इत्थे क्वेश्चन आंदा वाई, देख लो एक्सपेरिमेंट ले लिया मैं हैड और टेल, कॉइन सुटिया एक बार, ठीक है, 1 कॉइन असी सुटिया हैगा तुहाडे को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड की बनी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बनी 1/2। वो की कहिंदा सम, सम मैंने जोड़ ऑफ आल एलीमेंट्री इवेंट्स, इस दो ही एलीमेंट्री इवेंट्स हुई हैं, दोनों का जोड़ की होया 1/2 + 1/2, आंसर आ गया 1। एग्जाम्पल ले लो डाई, डाई विच की होंदा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। पहले 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इको फेवरेबल केस है 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की लोगे 1/6, सारे की 1/6, 1/6 कितनी बार जुड़ूगा, 6 बारी जुड़ूगा। सो 6 बारी जुड़ूगा तो इहदा मतलब की आ गया 6/6 1। सो इहदा मतलब जिन्नियां भी तुहाडे कोल इवेंट्स टोटल होंदियां ने एक एक्सपेरिमेंट दे विच, सब ने जुड़ के आंसर 1 देना हुंदा है। ठीक है जी। विचली एग्जॉस्टिव कहिंदे ने। ठीक है। सो ये साड़ियाँ 4 डैशा हो गई जी, और सानू सारिया समझ आ गई। पहला लैक्चर ध्यान ना देखे तो 4 के आंसर है, ये तो सिर्फ एन सी आर टी अलग तो सॉल्व करने मैं दोबारा लिखे। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एंड लैस दैन और इक्वल टू, थोनू इदा समझाया सी और ये बना के भी दसी सी थोड़े पास, ये मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू उरे की आ जूगा 0, उरे की आ जूगा 1। ठीक है जी। सो बड़े आराम ना हो गया जी। हुण जिहड़ा दूजा क्वेश्चन है, दूजा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, वो कहता तुसी दसना है भी इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं कि इक्वली लाइकली नहीं है। पहला तो इक्वली लाइकली का मीनिंग समझ लिए। क्वेश्चन आगे लिखा है मेरा अगले पेज पर, इक्वली लाइकली इवेंट कहते कि इन्होंने जिन्हों का सेम चांस ऑफ अकरेंस होवे। हुण हैड और टेल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड की आई 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की आई 1/2, दोनों का ठीक है इको जिहा अकर करन दा चांस है, इसे करके आपां कॉइन नू टॉस करन लई यूज़ करते हैं। चाहे तुसी क्रिकेट टॉस करते हो तो तुसी कहने कॉइन ना हो जाती, कोई रोला नहीं पैंदा। क्यों नहीं रोला पैंदा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आने दे इक्वल चांस हैगे ने। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इहदे विच अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लैंदे हो तो 1/6 आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लैंदे हो तो 1/6 आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लोगे 1/6 है, इहदा मतलब इक्वली लाइकली है।
इक्वली लाइकली का मतलब की होंगे कि सेम प्रोबेबिलिटी इक्वल चांस ऑफ अकरेंस होने चाहिए ने थोड़े को, ठीक है जी। बट जे मैं एक बैग ले लाँ, उस चार रेड बॉल्स ले लाँ, एक ब्लैक ले लाँ, क्या है इक्वली लाइकली होएगी, ठीक है जी। क्या इक्वल जे चांस है इन्हें ना, क्योंकि जोड़े रेड है, रेड के तो 4/5 चांस हो गए तो वो हो गए, सो इक्वली लाइकली नहीं है, सो ये नॉट है, ठीक है जी। तो तुहानू इक्वली लाइकली का मतलब हो गया भी ऐसा एक्सपैरीमेंट जिदे विच इवेंट दे अकर करन दे जिहड़े चांस ने, अगर चांस इक्को जिहे बनते हैं तो इक्वली लाइकली कहने, जे इक्को जिहे नहीं बनते फिर आपां नॉट इक्वली लाइकली कहने। हुण आपां बुक दे क्वेश्चन ते आ जाइए तुहाडे को। तो बुक दे विच पहला क्वेश्चन की हैगा तुहाडे पास, कहिंदा ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ठीक है। हुण क्या है हुंदा वी असीं रोज़ कार स्टार्ट करिए ते कार एक दिन हो जाए एक दिन ना हो जाए, ना जिदन बैटरी खराब होगी उदन तुहाडे पास नहीं होगी, अदरवाइज तुसीं कार स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट होएगी ही होएगी। कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ठीक है जी। डज नॉट स्टार्ट दिता 4 साल च एक बार पॉसिबिलिटी आनी है, जो तो बैटरी खराब होनी नहीं थोड़ी होंगे, तुम चाबी लाओ या होएगी या नहीं होएगी, ये तो नहीं हो सकता तुहाडे पास। सो इहदा मतलब है ये नॉट इक्वली लाइकली हैगा तुहाडे पास, क्योंकि जब तुसीं कार करोगे तुहाडे पास, ठीक है, उन्हें स्टार्ट होना ही होना। सो यदा आंसर आ जाएगा नॉट इक्वली लाइकली, समझ गए जी। नॉट का मतलब स्टार्ट करोगे कार लाजमी स्टार्ट होएगी, नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है जी। सो ये हो गया जी। हुण आगे कहिंदा प्लेयर अटैम्प्ट टू शूट बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसिज, एवें थोड़ी हूँ हूँ जे प्लेयर बहुत अच्छा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, उन्हें मिस करनी हुई नहीं, तो जे मेरे वर्गा कोई निकम्मा प्लेयर हो, ठीक है, तो उन्हें मिस करी जाना तुहाडे पास, ऐसा थोड़ी है भी। हुण मान लो सचिन बैटिंग करन गया, ठीक है जी, तो तुसीं कहो जी एक बॉल छड्डूगा तो एक रखूगा, एक छड्डूगा तो एक रखूगा, ऐसा नहीं हुंदा हैगा। तो तुहाडे पास ये केस विच भी इक्वल चांस नहीं हैगे, सो इसका आंसर भी कई आएगा तुहाडे कोल नॉट इक्वली लाइकली। सो इहदा आंसर भी आएगा नॉट इक्वली लाइकली, सो इहदा आंसर भी नॉट इक्वली लाइकली आ गया, ठीक है जी। तुहानू समझ आ गया, ठीक है, क्यों तुसी रीज़न लिख सकते हो तुहाडे पास, इट डिपेंड अपॉन कैपेबिलिटी ऑफ प्लेयर, ठीक है, मे बी अगर रद्दी प्लेयर है, प्लेयर इज़ नॉट सो गुड, ही मिसिज मोर दैन जिहड़ा हैगा शूट्स, ठीक है, बट अगर प्लेयर अच्छा है, उस तो बाद अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास राइट और रोंग, क्या ए वाली पॉसिबिलिटी, हाँ दो ही ऑप्शन ने, ट्रायल मेड आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, या तुसी ट्रू फॉल्स दे विच या तुसी ट्रू लाओगे या फॉल्स लाओगे, ये इक्वल चांसिस हैं, मतलब जे एच या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना, तो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू की है वह भी 1/2 है, फॉल्स की भी 1/2 है, राइट की भी 1, रोंग की 1/2, ए यस है। सो इतने यस का तुहानू मतलब पता लग गया जी, इक्वली लाइकली। सो ए वाला जिहड़ा हैगा तुहाडे पास इक्वली लाइकली हैगा तुहाडे को, सो तुहानू पता लग गया, ठीक है जी। सो आगे ठीक है, ए बेबी बॉर्न इज़ बॉय और गर्ल, ये भी आपां नूं पता हैगा जी तुहाडे कोल, बेबी बॉर्न इज़ बॉय और गर्ल, या बॉय ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय भी 1/2 होंदी है ते प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल भी 1/2 होंदी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी हैगी है, इहदा मतलब जिहड़ा है लाइकली। सो ये भी इक्वली लाइकली हैगा तुहाडे को, ठीक है जी। सो इहदा मतलब है तुहानूं इक्वली लाइकली का मीनिंग समझ आ गया तुहाडे को, ठीक है जी। हुण क्वेश्चन नंबर 3 ते आ गए, कहिंदा ये आपां आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं जी, कारण हुणे तुहानूं समझ आ जाऊ, वाई टॉसिंग ऑफ ए कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे टू डिसाइडिंग द टीम शुड गैट बाल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। कहिंदा जी फुटबॉल गेम ते जदों टॉस करते हैं तो कॉइन दे नाल करते हैं तो इहनूं फेयर मन्निया जांदा है, वाई बिकॉज जेड़ा या तो हैड आऊगा या टेल आऊगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है, सो इवेंट्स हैं जिहड़ियां तुहाडे पास आर इक्वली लाइकली। सो जे इक्वली लाइकली होण तां सानूं कोई दिक्कत नहीं गी, असी ना सानूं टॉस करन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यह चीज़ आ जाएगी तुहाडे कोल। सो मेरा ख्याल है जी तीजा क्वेश्चन आपां बड़े वधिया ढंग नाल समझ लिया, कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं गी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो चलिए जी अगे तुहाडे कोल क्वेश्चन नंबर 4, कहिंदा विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कहिंदा केड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकती, केड़ी नहीं हो सकती, रूल देखो ना की है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 टू 1,
जीरो टू वन दे विच लाई कर दी है। सो ये लाई कर दी है जी, नैगेटिव वाली नहीं करती, कदे भी नहीं करती। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होंगे 100 विचो, यह मतलब 15/100 है, पॉइंट 15 है, तो यह मतलब लाई करती है, 0.7 भी लाई करती है। सो आंसर की है प्रोबेबिलिटी कांट बी नैगेटिव, सो बी ऑप्शन थोड़ा आंसर आएगा। उन्हें क्या है फॉलोइंग कैन नॉट पॉसिबल, सो बी ऑप्शन आएगी। लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, सो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है जी, सवा हो गया। उस तो बाद बिल्कुल सौखा, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा सौखी बुक है, इस करके जड़ा है स्टेटमेंटा लिखन में मैंने ज़्यादा टाइम लगे, उन्ना टाइम मैंने सॉल्व करने नहीं लगना हैगा। ठीक है जी, अगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, अपने को रूल की है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द नॉट इज इक्वल टू 1। यदा मतलब इवेंट द नॉट कढ़ना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो 1 विचों 0.05 कटा दिता, सो 0.95 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इनू नॉट ई कहिंदे ने। सो इहदा मतलब नॉट कढ़न लई कोई चिंता वाली गल नहीं हैगी तुहाडे पास, तुसीं जिहड़ा हैगा ये कटा देना हैगा तुहाडे कोल। हाँ जी, गल समझ आ गई जी, कटाना तुहानू सब नू आंदा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जिहड़ा तुहाडे कोल, ये हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है जी कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। ठीक है जी, विच क्रैकरस की नॉइज़ आ रही है, चलो हूँ पता नहीं कौन बजाने लग गया, तो जी आ गई तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी। फोकस आपां जिहड़ा है तुहाडे कोल क्वेश्चन से करिए। ठीक है, और लॉकडाउन वाली जिहड़ी हैगी चिट्ठी आई है ना, दुकाना खुलणगियां तां करके लोगों ने बजाना शुरू करते। चलो ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 ते आ जी। सो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, पेज बेचारा खराब हो गया, नीचे दब गया सी। सो क्वेश्चन की है, कहिंदा ए बैग कंटेन लेमन फ्लेयर्ड कैंडीज़, मालनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू बैग, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट। हाँ जी, मैं पहला भी एग्जाम्पल कही सी, ये बंदा बेचता होवे मैंगो, तो तुसी पूछो जाके कि इहदा रेट की है, फिर अगला की समझूगा थोनू। ठीक है जी, बस उही है इहदा आंसर तुहाडे को हुण। ठीक है जी, मैंगो बेच रहे हैं, तुसी कि इहदा रेट पूछ रहे हो, फिर उही कहेगा ना भी मैं तां कि आ बेचदा नहीं भाई। ठीक है, तो उही स्टोरी है, बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है। मालनी कह रही है तुहाडे पास भी, ये कहिंदे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी की होएगी, अरे ऑरेंज वाली कैंडी होएगी तो है ना। सो जे ई इवेंट आपां लै लईए, ऑरेंज फ्लेवर्ड उपर लिखे हुए है कैंडी, सो ये इम्पॉसिबल इवेंट है जी, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों? थोड़े को लेमन कैंडीज ने, ठीक है, मंग तुसी ऑरेंज कैंडी रहे हो, यदा मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इवेंट की? 0। उस तो बाद लेमन वाली कैंडी है तो लेमन वाली कैंडी मंग रहे हो, ठीक है, तो फिर संभावना का दी? ठीक है जी, इको बच्चा क्लास, फिर जो उन्होंने पूछिए फस्ट आने की संभावना 100% चांस है फस्ट ही आना उसने, थोड़े को नंबर चाहे 0 हो। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडियाँ उसको फुल लें जी, तो को सैकेंड पार्ट है जोड़ा थोड़े पास वो श्योर इवेंट है, सैकेंड पार्ट जोड़ा है वो श्योर इवेंट है जी थोड़े को। यदा मतलब जे उन्होंने सैकेंड नी लैम प्रोबेबिलिटी हमेशा की है कि 1, या जे तुम डेफिनेशन भी लानी है तो भी लग जूगी, डेफिनेशन की होगी। ठीक है, वेद टोटल जोड़ा है फेवरेबल केसिस भी जोड़े है सेम हो जाएंगे एज द टोटल नंबर ऑफ केसिज, देयर फोर प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1। तो ये वाली चीज़ भी आप जोड़ा है तो पास लिख के कर सकते हैं। ठीक है जी, सो 6 नंबर क्वेश्चन वेरी ईजी और सिंपल क्वेश्चन, जिन्हें कॉम्प्लीकेटड तुम पिछे किए हैं ना लैक्चर 3rd च, उन्हें एनसीईआरटी नहीं है, स्टिल असी एनसीईआरटी 2 पार्ट्स करके करेंगे क्योंकि वो वड्डा है थोड़ा जहा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देन जा रहे हैं जी, कहना इट इज़ गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.992, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दे हैव सेम बर्थडे। मतलब नॉट हैविंग सेम बर्थडे थोनू दिता होया इवेंट है जी थोड़े पास। ठीक है जी, तो यह मतलब आपका फेलियर लभ लेना है थोड़े को। ठीक है जी, सो बड़ा सौखा जहा क्वेश्चन है, सिर्फ एक इवेंट लिख लो थोड़े पास वो जी हैगी है थोड़े को, और गिवन की है नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है जी, सो जे मैं ई बार ले ला, ठीक है, नॉट हैविंग ले लो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ। ਤਾਂ ਪੀ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਈ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਨ। ਅਬ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਨੋਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਈ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.992। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ 1-0.992। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ 0.99 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.008। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ ਮੈਂ ਈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਥਰਡ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਮੀਦਾ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 3 ਰੈੱਡ ਬੋਲਸ, 3 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਬੋਲਸ ਨੇ, 5 ਬਲੈਕ ਬੋਲਸ ਨੇ, 5 ਬਲੈਕ ਬੋਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਟ ਰੈਂਡਮ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਦੀ। ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 3। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 8। ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਨੋਟ ਰੈੱਡ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੈੱਡ, ਨੋਟ ਰੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਉ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿਉ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਘਟਾ ਦਿਉ। ਸੋ 1-3/8, 5/8 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੋਟ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਘਟਾ ਦਿਉ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਵੀ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਇਹ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਹ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 5 ਰੈੱਡ ਬੋਲਸ, ਸੋਰੀ ਰੈੱਡ ਮਾਰਬਲ ਨੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 8 ਵਾਈਟ ਮਾਰਬਲਸ ਐਂਡ 4 ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਬਲਸ, 4 ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਬਲਸ ਨੇ। 1 ਮਾਰਬਲ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਫ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਦੈਟ ਰੈੱਡ, ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਮਾਰਬਲ, ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 5। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 8, 4, 12, 5, 17। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆ ਗਈ 5/17, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਆਫ ਵਾਈਟ, ਵਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 8। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 17, 8/17, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਦੋਨਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਕੱਢੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 4/17। ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1-4/17, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 13/17। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਰੈੱਡ, ਨੀਚੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ, 17 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? 5+8+4, ਇਹ 17 ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓ 17 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 17 ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 10 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਕੰਟੇਨ 100, 100, 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਇਨ, 50, 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੋਇਨ, 20 ਰੁਪਈਏ 2 ਦੇ ਕੋਇਨ, 10 ਰੁਪੀਜ਼ 5 ਦੇ ਕੋਇਨ, ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਦੈਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਨ ਵਿਲ ਫਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਗਿਰਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲਕ, ਬੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਗੋਲਕ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਬੈਂਕ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਨੇ ਗਿਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਮਤਲਬ 50 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਕੋਇਨ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਲਿਖ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ 50 ਪੈਸੇ ਕੋਇਨਸ। 50 ਪੈਸੇ ਕੋਇਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਪੀ 1 ਕੋਇਨ,
किन्ने ने जी 50, 20 rupees टू नंबर ऑफ रुपीज़ टू कॉइन, किन्ने ने जी 20 और रुपीज़ 5 कॉइन, किन्ने ने जी रकम पढ़ो ना 10। सो ये थोड़े को कॉइन हो गए टोटल जे कर लिए तो इन्हों 180 हो गया। ठीक है जी, सो पहला प्रबिलिटी ठीक है 50 पैसे कॉइन दी, फेवरेबल केस 100 नीचे, ठीक है जी थोड़े को टोटल कितना आया 180। ठीक है जी, सो कटिंग कर लोगे। उस तो बाद ठीक है वो कहता विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन, 5 कॉइन नहीं होना चाहिए 5 वाला कॉइन। ठीक है जी, सो अगर मैं इवेंट लिख लाँ, पहले च भी लिख सकते हो, ई नू लिख लाँ रुपीज़ 5 कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रुपीज़ 5 कॉइन दी निकाल लो पहला। अब 5 कॉइन वाले किन्ने ने, ठीक है जी ये आ जाऊगी 10/180, यानी कि आह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कढ़नी है तुसी 1 चो घटा लो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ना होवे 17/18। सो ये आ गया जी थोड़े को, ठीक हो गया जी। सो अपना क्वेश्चन हो गया, मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं, गिनती मिणती हैगी है तो उसी गिनती आराम ना कर पाने हो। ठीक है जी, सो बस 2 क्वेश्चन रह गए जी, चिंता नहीं करनी हैगी थोड़े को। उस तो बाद क्वेश्चन की कह रहे हैं थोड़े पास, कहते गोपी बायज फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है जी, वो एक्वेरियम लिए पास जोड़ा है उन्हें फिश बाय करनी है, टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, तो 5 मेल फिश है जी थोड़े को, ठीक है जी 8 फीमेल फिश है ने थोड़े को। ठीक है जी, सो कहता एक्वेरियम चो लैना जी एक फिश लैनी है एट रैंडम, 5 मेल फिश है 8 फीमेल फिश है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिश ए टेकन आउट टू बी ए मेल फिश। सो प्रोबेबिलिटी आप मेल फिश की लैनी है, सो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी, मेल फिश कि 5, टोटल फिश कि 8 प्लस ने, हाँ जी ठीक है, सो 5/13 थोड़ा आंसर आ जाएगा थोड़े को। ठीक है जी, सो 8 होने 5 होने 8/13, ठीक हो गया जी। सो जोड़ा है थोड़े को, सो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी थोड़े को, ठीक है बाजी लास्ट है ये थोड़े को, फिर उस तो बाद जोड़े है थोड़े को अगले लैक्चर डिस्कस करेंगे, थक जाता बच्चा। ठीक है, कहता ए गेम, हाँ जी मैं ये उत्ते लिख देना थोड़े पास, ये कहता गेम ऑफ चांस स्पिनिंग ऑफ जोड़ा है कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट द नंबर, आ नंबर दिते हुए हैं जी, ये कितने भी पॉइंट कर सकता, उपर डायग्राम बनाइए। ठीक है जी, बहुत अच्छी नहीं बनी चल फिर भी नज़र तो आती है। ठीक है, देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स ने, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, सो 8 ते पॉइंट आउट करे तो की प्रोबेबिलिटी हैगी है थोड़े को। ठीक है, ऑड नंबर ते पॉइंट आउट करे तो थोड़े को की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, नंबर ग्रेटर दैन 2 की तो की प्रोबेबिलिटी हैगी है थोड़े को, नंबर लैस दैन 9 ते करे की प्रोबेबिलिटी है। हुण तुसीं सिंपली शो करो, उन्हें सिर्फ 8 ते पॉइंट करे, देखो प्रोबेबिलिटी कि पॉइंट्स एट 8, 8 कितनी बारी है, 1 के बारी है। ठीक है, टोटल केसेस कितने ने 8। ठीक है जी, 8 कितनी बारी है, 1 बारी हुआ है तो चल गया जी थोड़े पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर देखो जी 1 ते भी आ सकती है फेवरेबल केस, 3 ते भी आ सकती है, 5 ते भी आ सकती है, 7 ते भी आ सकती है। सो फेवरेबल केस कितने हो गए जी 4, इहदा मतलब जे तुसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की कढ़नी है ऑड नंबर दी तो फेवरेबल केस 4, टोटल केस 8/8। ठीक है जी, कैंसिल कर लोगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, सो तीसरा केस नीचे लिख देने, ए नंबर ग्रेटर दैन 2, हुण बंदा ध्यान ना सोचे नंबर ग्रेटर दैन 2, ठीक है 2 तो नंबर ग्रेटर दैन इक्वल नहीं आया, ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन 2 मैंने 2 भी छड़ देना है 1 भी छड़ देना है, 2 तो वड्डे, 2 तो वड्डे का मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो यह मतलब प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर दैन 2, ठीक है जी ये कितनी होनी चाहिए, फेवरेबल केस कितने आ गए 6,
ਅਤੇ 8, ਸੋ ਇਹ 3/4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 9, ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 9, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 9 ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 9, ਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 9 8 ਦੇ 8 ਹੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 9 ਹੈ, ਸੋ 8/8 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਾਹੇ 1 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, 2 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, 3 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ NCERT ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 12 ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।